जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो और सेवरम वीडियो की तरह इसमें हम डिटेल्ड डिस्कशन जो है करेंगे टेट्राफिश के ऊपर। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जो डायरी में लिखे हुए थे जिनका आंसर मैंने देना है। कुछ मेरे पास स्टिकी नोट्स पर लिखे हुए थे लैपटॉप पे, तो लैपटॉप में रैम तो दो थी मेरे लैपटॉप में, तो दोनों ख़राब होने की वजह से कुछ जो स्टिकी नोट्स के ऊपर डिटेल्स थी वो इरेज हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को फटाफट पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मैंशन है जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जिनका मैं मिस कर चुका हूँ तो आप मेरे को प्लीज़ दोबारा कमेंट जो है कर दीजिएगा। तो बायोमीडिया इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात करनी है अभी, जो हमने करी नहीं है। फूड फॉर फ्लावर ऑन हेड टेट्रास के ऊपर आज हमने वीडियो बना दी है। बिगिनर सेटअप, होममेड फूड फॉर बेबी फिश, अरवाना केयर, फिश केयर फॉर मिड साइज टैंक्स एंड कोई कार्प ब्रीडिंग, शार्क जो फिश होती है एल्बिनो एंड टाइगर उसके ऊपर, और रूट टैप अपडेट उसके ऊपर मैं खुद बनाऊंगा। तो इसके अलावा मेरे पास जो टॉपिक हैं जो मैंने और बनाने हैं खुद के पर्सनल, एयर पंप जो है आवाज़ करने लग जाए या एयर ना दे रहा हो तो क्या चेक करना है और कैसे उसे ठीक करना है, जो मैंने करा भी है। और मेरा टॉप फिल्टर का जो पंप है वो भी ख़राब हो गया, तो उसे तो मैं ठीक नहीं कर पाया, वो नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने उसकी जगह पे कौन सा फ़िल्टर मंगवाया है, सिंगल फ़िल्टर से डबल फिल्ट्रेशन कैसे हो सकती है और उसकी पावर के वगैरह के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो वो जब आ जाएगा तब हम उसके बारे में जो है बात करेंगे। एंड हमारा जो गिव अवे वीडियो है, सिर्फ 50 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो उसका इमेज मैं आपको शो कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके बस कॉमेंट करना है एंड यू आर इन फॉर द गिव अवे। नेक्स्ट हमारी जो बेस्ट वीडियो है उस पर 77,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 100 के पूरे करने हैं हमने, 1,00,000 का टारगेट है, उसका भी मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे फटाफट से देखो और उसके व्यूज़ जो है कंप्लीट करवाओ, मुझे अच्छा लगेगा। एंड चलिए तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम टेट्रा की अगर बात करते हैं तो इट्स अ वेरी स्मॉल फिश। अगर साइज़ के बारे में बात करें तो 0.5 इंचेस से लेकर 2 इंचेस इसका मैक्सिमम साइज़ होता है। तो ये प्लांटेड एक्वेरियम्स और एक्वास्केपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फिश है, एक बिकॉज ऑफ द कलरेशन और दूसरा जो है ये प्लांट्स को बिल्कुल भी ख़राब जो है नहीं करती है। ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका से इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है। लाइफ स्पैन की बात करें, इन परफेक्ट गुड वाटर क्वालिटी कंडीशंस के अंदर ये आपको 5 to 10 ईयर्स का लाइफ स्पैन जो है वो इसका मिल जाता है। साइज़ मैंने आपको बता दिया, जेंडर बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी स्लिम होते हैं इन लाइन, एंड जो फीमेल्स होते हैं उनका बेली थोड़ा सा राउंड होता है, ऑफकोर्स बिकॉज उसमें थोड़ी सी एडिशनल जगह होती है एग्स के लिए। हाँ, वेरी लेस फिश वेस्ट, तो इन कंपैरिजन टू अदर फिशेस, या फिर मैं बात करूँ हमारी गोल्ड फिश की, तो उसके कंपैरेटिवली जो है ये गंद बहुत ही कम मचाती हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो पॉटी जो है वो इनकी बहुत कम होती है साइज़ छोटा होने की वजह से, तो इसलिए फिश वेस्ट जो है वो बहुत कम होता है टैंक के अंदर। नॉन एग्रेसिव है तो कम्युनिटी टैंक्स के अंदर परफेक्टली काम करती है। ऑफकोर्स बाकी जो टैंकमेट्स हैं वो आपको ध्यान से रखने पड़ेंगे, छोटे साइज़ के होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम 2 एक्सेप्शंस विच इज़ एंजल एंड डिस्कस। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें चेक पॉइंट्स विच इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन कीप इन ग्रुप्स, मिनिमम 10 फिशेज रखनी आपको ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये ग्रुप्स में नहीं रहती है, झुंड में रहने वाली फिश स्कूलिंग यानी कि जो झुंड में एक साथ चलती हैं, तो ये फिश जो है बहुत जल्दी बीमार होकर मर सकती है। तो मिनिमम 10 तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीज़न इसका जो टैंक साइज है वो आपको मीडियम टू लार्ज होगा, कभी भी स्मॉल नहीं। ये मत सोचना कि छोटे फिश है तो छोटे में रख लेंगे चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अनलाइक द पीज, इनको बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा सोशल होती हैं ये। ओके, सो मैंने आपको बता दिया नॉन एग्रेसिव फिशेस के साथ रहती हैं अपार्ट फ्रॉम 2 एक्सेप्शंस एंजल एंड डिस्कस। टैंक साइज़ के बारे में हमने बात कर ली है। स्मॉल साइज़ फूड इनको देना ज़रूरी है क्योंकि इनका जो माउथ है और जो खाना अंदर ले जाने का जो थ्रोट होता है, जैसे कि जो वो एरिया होता है बहुत स्मॉल होता है, तो अगर इन्होंने कोई बड़ी बाइट ले ली और उनके गले में टक गई, दे विल चोक टू डेथ, यानी कि वो मर जाएंगी चोकिंग की वजह से। वाटर टेम्परेचर 23 to 26, तो जो भाई दिल्ली NCR एरिया के आसपास रहते हैं वो सोचना भी मत इसको रखने के लिए, गर्मियों में खास तौर पे आपको थोड़ा टाइम रख के चेंज करनी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑफकोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि सब शॉपकीपर्स को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनके आसपास नहीं रहते कि ये काम इतना आसान हो, तो ना रखें मेरे हिसाब से इस एरिया में अनटिल आपके पास चिलर लगा हुआ है टैंक के अंदर। 28 at max 28 degrees वो झेल सकती है। देन वाटर एसिडिक थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, तो 6.8 इज़ परफेक्ट, बट 6 to 7.5 चल जाता है,
वर्स्ट कंडीशन में 8 तक झेल सकती है। तो इस रीज़न की वजह से इनका वाटर चेंज जो है वो रेगुलरली होना जो है बहुत ज़रूरी है। जिनके टैंक में बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, 4-5 फिल्टर लगे हुए हैं अलग अलग, तो वो मैक्सिमम 15 दिन तक जो है चला सकते हैं, बट उसके बाद वो उनको भी चेंज जो है करना पड़ेगा। ब्रीडिंग इज़ नॉट ईजी फॉर देम, एग लेयर्स हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि एग लेयर्स हैं इसलिए, बट इनकी ब्रीडिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक तो इतनी छोटी है और फिर आपको एक डिफरेंट टैंक चाहिए होता है, उसमें निकालना पड़ता है, तो इतनी बड़ी स्कूलिंग फिशेस के अंदर आपको एक फीमेल आइडेंटिफाई करना पहली बात तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से करती हैं, तो जो प्रोफेशनल फार्म्स होते हैं फिश के वही इनकी ब्रीडिंग जो है करते हैं। कॉमन डिजीज़ इनकी इच है, फिन रॉट है, तो इन इच कार्ड आता है आपको पता ही होगा, इच की मेडिसिन आती है, देन मेलाफिक्स भी आता है, फिन रॉट की मेडिसिन भी आती हैं जो कि इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। बाकी छोटे मोटे इन्फेक्शंस जो हैं वो सॉल्ट, एक्वेरियम सॉल्ट जो एप्सम सॉल्ट होता है उससे क्योर किए जा सकते हैं। फूड के बारे में बात कर लेते हैं, हकानी बिट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, टेट्रा बिट्स के ऊपर भी बनाया हुआ है। तो हकानी बिट्स ऑलरेडी स्मॉल साइज़ का होता है, अगर आप टेट्रा बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे हाथ से ईजिली क्रश करके डाल सकते हैं, कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक फूड आप नॉर्मल डाल सकते हैं, फिर से अपने ब्रेक कर लेगी, बहुत सॉफ्ट होता है। ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स क्रश करके डाल सकते हैं, ब्लड वॉर्म्स डाल सकते हैं, जिनके पास ये सब फूड नहीं है नॉर्मल खाने को भी क्रश करके डाल सकते हैं। टैंकमेट्स, प्लैटीज, मॉलीज, गपीज, बेटा एंड दो बड़े फिशेज जो मैंने आपको बताए, एंजल और डिस्कस। तो पॉइंट ये है, ये लाइव बेरर फिशेज इनके ईजिली रह सकते हैं। लाइव बेरर फिशेज यानी कि जो डायरेक्टली छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं इंस्टेड ऑफ एग्स, क्योंकि ये फिश जो हमारी टेट्रा है वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। प्राइस की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 50 रुपीज़ to 150 पर पेयर, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन ऑफ कोर्स एंड सीज़न, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया समर में बहुत प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी मर भी जाती हैं ट्रैवल के टाइम पे, तो इसलिए प्राइस जो है वो डिमांड की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। तो इंस्टाग्राम जो है वो हमारा आप फॉलो करके रख लीजिए टू गेट रेगुलर अपडेट्स। जिनको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती हैं वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, एंड फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो करके रख लीजिए। बस दैट्स ऑल। सो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।